दोस्तों, आज हम द नॉलेज में ऐसी बातों की चर्चा करेंगे जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में आम है, लेकिन उसके बारे में शायद आप न जानते हो। नंबर एक, आपने अपने रेडीमेड शर्ट्स के पीछे लूप देखा होगा। हम में से कई लोगों को इसके इतिहास का शायद नहीं पता, लेकिन कहा जाता है कि अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में जब स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म सिलवाते थे तो पीछे ये लूप रखते थे, और जब कोई लड़का किसी लड़की को डेटिंग करता, मतलब सीधी भाषा में कहे तो अगर वो किसी के प्यार में होता तो वो अपने शर्ट के पीछे से लूप को हटा देता, और अगर किसी लड़के के पीछे शर्ट का लूप कटा हुआ नहीं है या वैसा का वैसा है तो उसे सिंगल समझा जाता था। बाद में लोग इस लूप का शर्ट को हैंगर से लटकाने के लिए इस्तेमाल करने लगे। नंबर दो, आपने अपने लैपटॉप के या कई और चार्जर्स में भी सिलेंडर देखा होगा। हम हमेशा इस चार्जर्स का उपयोग करते हैं जिसमें सिलेंडर लगा हुआ होता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को उसके बारे में नहीं मालूम कि आखिर उसे वहां लगाया क्यों जाता है। दरअसल ये मैग्नेटिक आयनोक्साइड से बने हुए होते हैं जो हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को स्टेबल करने के लिए चार्जर्स में लगाए जाते हैं। इसके कारण कंप्यूटर, मॉनिटर्स, स्पीकर्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रोसाउंड मैग्नेट को फिल्टर करके भेजा जाता है। नंबर तीन, आपने प्लेन में सफर करते वक्त उसकी खिड़कियों में एक छोटा सा छेद देखा होगा। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इतना छोटा सा हॉल इस खिड़कियों में क्या कर रहा है, लेकिन वास्तव में ये एयर प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। दरअसल हवाई यात्रा करते वक्त प्लेन के आउटसाइड के एयर प्रेशर और इनसाइड के एयर प्रेशर में बहुत बड़ा डिफरेंट होता है, और इस आउटसाइडर और इनसाइडर एयर प्रेशर को ये छोटा सा हॉल बड़ी गजब से कंट्रोल करता है। इसलिए ये छोटे से हॉल्स हवाई यात्रा की सेफ्टी के लिए बेहद जरूरी होते हैं। नंबर चार, आपने हर जींस में एक छोटा सा पॉकेट देखा होगा। दरअसल दुनिया में सबसे पहले जींस में ये छोटा सा पॉकेट लिवाइस जींस कंपनी ने 1873 में बनाया था, और उस समय चेन वाली पॉकेट वॉच रखना एक आम बात थी। इसलिए पॉकेट वॉच को रखने के लिए दिक्कत ना हो, इस वजह से जींस में ये छोटे से पॉकेट बनाए गए थे, और तब से जींस में ये छोटे से पॉकेट बनाने की प्रथा चल पड़ी है। दरअसल आज पॉकेट वॉच अपने साथ कोई नहीं रखता, इसलिए कई लोग आजकल इस छोटे से पॉकेट्स का चिल्लर रखने के लिए उपयोग करते हैं। नंबर पांच, जींस में छोटे से पॉकेट के साथ आपने पॉकेट्स के आसपास छोटे छोटे बटन्स भी देखे होंगे। दरअसल इसे स्नैप्स या रिवर्ल्ड कहा जाता है। इसे पॉकेट्स की किनारियों को स्ट्रेच करने के लिए बनाया जाता है, ताकि वहां पर पॉकेट्स की सिलाई ठीक ठाक बनी रहे, और जब इसे लगाया गया उसके बाद इससे जींस का शो भी बढ़ता था और पहनने वाले को भी ये पसंद आने लगा। इसलिए इस छोटे बटन्स को जींस के पॉकेट्स में हमेशा के लिए स्थान मिल गया।